चलिए पावर पॉइंट में आज हम लोग होम मेनू के बारे में देखेंगे। पहला आपका है कट। कट बोलता है कि मान लेते हैं कि हम जैसे कि लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं कि राम। अब राम लिखे तो राम के बैक भी हम जा सकते हैं। बैक जाइएगा तो ये बोलता है कि हम पीछे से आपको कर्सर से हम रिटर्न करेंगे, यानी कि बोलेगा कि पीछे से हम बैक जा सकते हैं। लेकिन कट कहता है कि हम एक त्रिया को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए लीजिएगा चाहे कंट्रोल एक्स लीजिएगा तो कट कर दे। कंट्रोल ए से बोलता है ऑसिलेट और कंट्रोल एक्स से बोलता है कट। किसी भी वर्ड आपको रहेगा अगर सिलेक्ट रहेगा कंट्रोल एक्स लीजिएगा तो आपको कट कर देगा। अगला है कॉपी। ये बोलता है कि हम किसी पिक्चर या अक्षर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं कि बोलता है जैसे कि हमको जाना है कोई पिक्चर को सिलेक्ट करना है, जो इसको पता नहीं रहेगा कि केकरा हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कैसे करेगा कि हम कौन पर काम करेंगे। आपको ये बोलता है कि हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये बोलता है कि हम डबल कर देंगे। कंट्रोल सी बोलता है कि हम इसको सिलेक्ट कर लिए ना, तो कंट्रोल भी बोलता है कि हम डबल बना देंगे इसको। अगला आपका है लेआउट। लेआउट कहता है ना कि हम पहले जैसा आपको पहले में कार्य किया जाता है। लेआउट बोलता है कि हम पहले जैसे काम कर देंगे क्लिक। जैसे कि मान लेते कि लेआउट में हमको काम करना है कि ना पिक्चर लेके आना भेजा रहना चाहिए, लेआउट में काम कर सकते हैं। अगला है रीसेट। रीसेट बोलता है कि एकदम आपको पेज आपको क्लीन कर देंगे, रीसेट यानी पूरा डिलीट। जैसे एक आइए मोबाइल हम करते हैं रीसेट तो देखिएगा आपको सब एकदम डिलीट हो जाता है। रीसेट कीजिएगा तो ये बोलता है कि या तो पिक्चर के आप कहूँ रख लीजिए और रीसेट कीजिए, या अन्यथा हम रहेंगे पिक्चर में आप रीसेट कीजिएगा तो सब क्लीन कर देंगे। इना कि रीसेट इना देखता है कि हम पिक्चर को चुन लिए हैं और रीसेट कीजिएगा तो हम ना हटेंगे, रीसेट कीजिएगा तो पिक्चर हो खत्म। अगला आपका है डिलीट। ये बोलता है कि कोई भी वर्ड लिखिएगा तो आपको क्लीन यानी कि डिलीट कर देगा आपका। अगला है फॉन्ट। फॉन्ट बोलता है कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट बोल्ड, ऐसे तिरछा, अंडरलाइन, क्रॉस। ये बोलता है तीनों के हमारा जब भी मान लेते कि राम लिखे, राम लिखने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है, करने के बाद क्लिक कीजिएगा तो बोल्ड कर देगा, आई पर कीजिएगा इटाली बोला जाता है तिरछा आपको करेगा, अगला आपका अंडरलाइन यानी कि नीचे अंडरलाइन कर देगा। तीसरा पॉइंट है आपका बोलता है कि नहीं सिलेक्ट कर लीजिए और करने के बाद क्रॉस यानी कि आपको काट देगा। अगला श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट, चेंज केस, ये सब जितना है स्पेस, इनकरेक्ट स्लाइड, ये सब बोलता है कि सबको काम है यहाँ पर। लेकिन सबको पार पार ये ना कि हम मान लेते कि राम को सिलेक्ट करे और तीनों को चाहे कि एक के बार में हो जाए, बोल्ड हो जाए, तिरछा हो जाए, अंडरलाइन भी और क्रॉस भी हो जाए, तो एक बार में होने वाला ना। एक कहता है कि हम या तो बोल्ड करेंगे पहले, या तो तिरछा कर लीजिए, या तो अंडरलाइन कीजिए, या तो क्रॉस कीजिए, यही तीनों काम करेगा। ये ना कि एक तुरी आप सोचिएगा कि हम पूरा कर ले तो होने वाला नहीं है।